तीन चीज एक एंटरप्रेन्योर ध्यान रखता है. एक, सो एन एंटरप्रेन्योर सर्चेस फॉर अपॉर्चुनिटीज. उसका काम होता है अपॉर्चुनिटी ढूंढना, मौके, संधि ढूंढना. ये एक एंटरप्रेन्योर होता है. ही लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटीज. सेकंड, वो क्या करता है, उसको ये समझ में आता है, क्योंकि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स आप ही की इंडस्ट्री में ये समझ नहीं पा रहे, जो तैयार होता है उसको मौका दिखता है. सो मौका उसी को दिखता है जो रेडी है. दूसरा समय जब मौका दिखता है, वो कब दिखता है, जब कोई दूसरा मौका उठा लेता है. अरे ये भी था मौका. यू विल सी अपॉर्चुनिटीज ओनली ट्वाइस, टू टाइम्स. वन व्हेन यू आर रेडी, एंड सेकंड व्हेन समबडी हैज ऑलरेडी पिक्ड इट अप. अगर आप रेडी हो, यू विल सी अपॉर्चुनिटी. सो एंटरप्रेन्योर तीन चीज करता है. नंबर वन, ही लुक्स आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज. सेकंड, ही कलेक्ट्स रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज इकट्ठे करता है, पैसा हो, जमीन हो, मशीन हो, लोग हो, टैलेंट हो, स्किल हो, ये सब इकट्ठा करता है. चाहे वो ट्रेनिंग हो, एक्विजिशन ऑफ मैन पावर हो, ये सब इकट्ठा करता है कि अब मैं इस मौके को सर्विस कैसे करूं, इस मौके को मैं कैसे फुलफिल कर पाऊं, इसको मैं कैसे पकड़ पाऊं. वो रिसोर्सेज इकट्ठे करता है. एंड थर्ड, उसके जहन में बात बड़ी स्ट्रांगली बैठी होती है कि जो मौका मैं फुलफिल करूंगा, वो मौका उससे वैल्यू एडिशन होगा. आई विल क्रिएट वैल्यू फॉर ऑल दोज हू आर इन्वॉल्व विद मी. तो मेरे साथ कौन जुड़ा हुआ है, मेरे कस्टमर्स, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करूंगा. मेरे साथ कौन जुड़ा हुआ है, मेरे वेंडर्स, उनके लिए मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा. मेरे साथ कौन जुड़ा हुआ है, मेरे टीम मेंबर्स, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करूंगा. मेरे साथ कौन जुड़ा हुआ है, मेरे इन्वेस्टर्स, आई विल क्रिएट वैल्यू फॉर देम. तो ये चारों एरियाज में वो वैल्यू क्रिएट करता है. एंड ही मूव्स ऑन फ्रॉम बीइंग अ बिजनेसमैन to an entrepreneur.